Hey everyone, namaste. Welcome back to my channel, friends. कैसे हो आप सब? I hope you all must be doing really good and keeping safe and healthy. आज की वीडियो में फ्रेंड्स मैं आप लोगों के साथ अपना रिव्यू शेयर करने वाली हूँ #45days challenge with this Mama Earth Aqua Glow Gel Face Moisturizer. Now guys, इस प्रोडक्ट को मैं लास्ट 45 days से रेगुलरली यूज कर रही हूँ इन माई मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन एंड आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपना फुल एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ. ऑल्सो फ्रेंड्स, इसी रेंज में जो इनका एक्वा ग्लो फेस वॉश आता है ना, उसकी पिक्चर आप यहाँ पे कहीं आप साइड पे देख पा रहे होंगे, उसका रिव्यू भी मैंने अपने चैनल पे किया है. बहुत ही अच्छे वाला फेस वॉश है एंड अभी तो वो फेस वॉश बिल्कुल फिनिश हो चुका है. सो अगर आपको वो वीडियो चेकआउट करनी है सो उस वीडियो का लिंक मैं आप लोगों के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी. एक बार जाके उस रिव्यू को भी जरूर आप लोग देखना. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रिव्यू गाइज. हम सबसे पहले पैकेजिंग से इस बात करेंगे. सो कुछ इस तरीके के आउटर बॉक्स में आपको ये फेस मॉइस्चराइजर रिसीव होगा. वेरी नाइस पैकेजिंग आई मस्ट से. दिस सेज ममा अर्थ एक्वा ग्लो जेल फेस मॉइस्चराइजर विद हिमालयन थर्मल वाटर एंड हेलुरोनिक एसिड फॉर 72 आवर्स हाइड्रेशन. ये प्रोडक्ट क्लेम करता है कि ये आपकी स्किन को 72 आवर्स के लिए हाइड्रेट रखता है. द प्रोडक्ट इज पैराबेन एंड सिलिकन फ्री, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड एंड इट इज सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स. इसमें जो आपको प्रोडक्ट क्वांटिटी मिल रही है दैट इज 100 ml एंड जो इसका MRP है दैट इज 699 rupees. एंड यहाँ पे अभी आप स्क्रीन पे क्लियरली इसकी शेल्फ लाइफ देख पा रहे होंगे. दिस इज प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड, क्रुएलिटी फ्री एंड वीगन एंड प्राउडली मेड इन इंडिया. सो गाइज, अभी हम बात कर लेते हैं प्रोडक्ट क्या क्लेम करता है. सो पहला जो इसका क्लेम है दैट इज दैट इट हैज लाइट वेट जेल फॉर्मूला, इट डीपली हाइड्रेट्स योर स्किन एंड कीप स्किन फ्रेश एंड प्लम्प. नेक्स्ट वील टॉक अबाउट द इंग्रीडियंट्स. आप सबसे पहले अभी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे द फर्स्ट इंग्रेडिएंट इज एक्वा एंड इन्होंने यहाँ पे स्टार लगाया है एंड नीचे क्लियरली मेंशन किया है दैट इट कंटेन्स वाटर फ्रॉम हिमालयन हॉट स्प्रिंग्स. इट हैज ब्लैक ओट एक्सट्रैक्ट्स इन इट, ग्लिसरीन, सोयाबीन एक्सट्रैक्ट. अभी मैं आप लोगों के साथ की इंग्रेडिएंट्स डिस्कस कर लेती हूँ गाइज. जो इसमें पहला की इंग्रेडिएंट है दैट इज हिमालयन थर्मल वाटर एंड इट हैज मेनी मिनरल्स इन इट लाइक मैग्नीशियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम. इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द स्किन बैरियर, हाइड्रेट्स योर स्किन, reduces inflammation and thereby promoting healthy skin. Next guys, इसमें है hyaluronic acid. It helps binding water to skin cells, keeping skin hydrated and plumpy. And the last key ingredient is aloe vera guys. It moisturizes and calms your skin. ये रही इसकी पैकेजिंग फ्रेंड्स. कुछ इस तरीके के टब में ये फेस मॉइस्चराइजर आता है विद प्लास्टिक कैप. इट इज बेसिकली अ ग्लास जार, सो यू जस्ट हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल अप्लाइंग इट. It is not a travel friendly product because it is a huge jar to carry and its packaging is almost similar like Neutrogena Hydro Boost Water Gel. अगर मैं इसके formula and fragrance के बारे में बात करूं तो मैं आपको इसे open करके दिखा देती हूँ. यहाँ पे inner lid भी दे रखी है to secure your product. इसका जो फॉर्मूला है इट इज कम्प्लीटली जेल बेस्ड एंड वेरी लाइट वेट गाइज, ओशन ब्लू इन कलर. फ्रेग्रेंस के बारे में बात करूं गाइज, सो येस इट हैज समवट स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस इन इट. सो अगर आपकी स्किन फ्रेग्रेंस सेंसिटिव है या आपकी स्किन को फ्रेग्रेंस वाले प्रोडक्ट सूट नहीं होते हैं सो मैं आपको पर्सनली ये प्रोडक्ट रिकमेंड नहीं करूंगी. जब आप गाइज इस फेस मॉइस्चराइजर को अपने फेस पे अप्लाई करोगे ना, इट विल फील लिटिल स्टिकी ऑन स्किन फॉर एटलीस्ट 1 minute बिकॉज थोड़ा सा टाइम ये लेता है to get settled down into your skin. देन आपकी स्किन पे ये कम्प्लीटली अब्जॉर्ब हो जाएगा एंड उसके बाद आपको ये कम्प्लीट मैट फिनिश देगा. दैट्स वट आई हैव एक्सपीरियंस्ड ओवर पास्ट 45 days. ऑल राइट फ्रेंड्स, सो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं इस प्रोडक्ट को लास्ट 45 days से यूज कर रही हूँ रेगुलरली विदाउट अ ब्रेक. सो अभी भी बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी रिमेनिंग है. मैं आपको इसे ओपन करके भी दिखा देती हूँ. आप देख सकते हो कितना ज्यादा प्रोडक्ट अभी भी बचा है. सो ये आराम से टब आपका 2 से 3 महीने तो बिल्कुल निकाल देगा इजिली. क्वांटिटी बहुत ज्यादा इन्होंने दे रखी है. नेक्स्ट अप गाइज, वट माई पर्सनल एक्सपीरियंस इज, मैं बहुत सारे प्रोडक्ट रिव्यूज अपने चैनल पे करती रहती हूँ. पहले प्रोडक्ट यूज करती हूँ, देन आप लोगों के साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ आफ्टर यूजिंग अ प्रोडक्ट. सो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है लाइक जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हैं ना अपनी स्किन पे, सो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन आर स्किन टाइप, टेक्स्चर, वेदर कंडीशंस अराउंड अस, टेम्परेचर. ये सारे फैक्टर्स का बहुत ही रोल रहता है कि कोई प्रोडक्ट हमारी स्किन पे सूट होगा या नहीं होगा. सो मैं आपको पर्सनली यही बात हर वीडियो में रेकमेंड करती हूँ कि आपको पैच टेस्ट तो जरूर कर ही लेना चाहिए फॉर एटलीस्ट 3 to 4 days. अगर आपकी स्किन पे अच्छे से सूट हो जाए कोई प्रोडक्ट तब आप उसे यूज करो, नहीं तो बिल्कुल यूज करना बंद कर दो.
Lastly, talking about my own personal experience after using this product, my skin type is normal to combination and it suited my skin very well. Personally, मुझे ये product काफी पसंद आया. इससे पहले जो मैं moisturizer use कर रही थी, that was Neutrogena Hydro Boost Water Gel. वो भी बहुत अच्छे वाला product है. काफी लोगों को उस product के बारे में already पता ही होगा. But मुझे ये face moisturizer भी काफी पसंद आया. It keeps skin moisturized and hydrated for good time period, like 8 to 9 hours तक. It maintains a good moisturization level on our skin. मैं इसे morning time में apply कर लेती हूँ and then guys शाम तक till my night skin care routine skin as it is feel होती है, बिल्कुल fresh feel होगी, बिल्कुल hydrated feel होती है. सबसे अच्छी बात जो मुझे इस product की लगी, that is it has non-greasy formula, non-sticky formula, बिल्कुल face chip-chip नहीं करता है. मुझे इस तरीके के face moisturizers बहुत अच्छे लगते हैं जो बिल्कुल complete matte finish हमारी skin पे देते हैं. इसे अप्लाई करने का तरीका मैं आप लोगों को बता देती हूँ. बहुत सिंपल है. आपको फेस वॉश करना है. जो भी आप फेस वॉश यूज करते हो वो आप यूज करो. टोनर अप्लाई करो एंड देन टेक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ दिस जेल. अप्लाई ऑल ओवर योर फेस एंड नेक. आप इसे मॉर्निंग में भी अप्लाई कर सकते हो एंड नाइट स्किन के रूटीन में भी इसे अप्लाई कर सकते हो. आफ्टर यूजिंग दिस मॉइस्चराइजर आपको आपकी स्किन काफी ज्यादा सॉफ्ट, प्लम्पी एंड फ्रेश फील होती है. प्लस इट एड्स लिटिल ग्लो ऑन योर फेस. जब आप इसे रेगुलरली यूज करना स्टार्ट करोगे ना, तो आपको आपकी स्किन टेक्सचर में काफी ज्यादा चेंजेस नजर आएंगे. सो पर्सनली आई लाइक दिस प्रोडक्ट. आप भी इस प्रोडक्ट को ट्राई कर सकते हो. आपको इसे परचेज करना है सो आप कहीं से भी परचेज कर लेना गाइज. ममाअर्थ के प्रोडक्ट्स बहुत वेबसाइट्स पे अवेलेबल हैं. अमेजन, फ्लिपकार्ट, नाइका, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से आप परचेज कर सकते हो. लिंक्स मैं आप लोगों के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी. अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो देन आपको क्या करना है, लाइक करना है. अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है देन प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल. इसी तरीके के रिव्यू वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूं. मिलते हैं नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ. टिल दैट टाइम टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय बाय. आई लव यू ऑल. नमस्ते.